हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए स्माइल 3.0 कक्षा 11 अर्थशास्त्र की वर्कशीट का फुल सोल्यूशन। ये आपकी दिनांक 3 सितंबर का सोल्यूशन है। दोस्तों, अध्याय दिया हुआ है निर्धनता, टॉपिक दिया हुआ है भारत में गरीबी के कारण। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक एक, सबसे पहले हम सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में गरीबी के कोई 3 कारण बताइए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गरीबी निवारण के कोई 3 उपाय बताइए। तीसरा दिया हुआ क्वेश्चन, निर्धनता अनुपात ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, गरीबी के कुचक्र का सिद्धांत किसने दिया। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर देख लेते हैं। गरीबी के कारण, बढ़ती जनसंख्या। भारत में बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा का अभाव, अनुचित सरकारी नीतियाँ, विषम सामाजिक परिस्थितियाँ, बढ़ती महंगाई, प्राकृतिक आपदाएं, उचित स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, लोगों की बुरी आदतें। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। गरीबी समाप्त करने के उपाय, लघु और कुटीर उद्योगों, टेक्सटाइल कपड़े तथा चमड़ा जूते से संबंधित उद्योगों को तथा हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर रोजगार बढ़ाया जा सकता है और गरीबी कम की जा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के उचित क्रियान्वयन से भी रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया है, गरीबों की कुल संख्या बटे कुल जनसंख्या। चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लेते। चौथे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, गरीबी की अवधारणा प्रोफेसर अर्कस ने दी थी। उन्होंने बताया कि जो अल्प विकसित देश होते हैं, जिनमें गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर गरीबी से निपटने के लिए ऐसे संसाधन उपलब्ध कराना, ऐसी विधियाँ उपलब्ध कराना भी संभव नहीं हो पाता जिससे कि गरीबी को नष्ट किया जा सके। तो ऐसे देशों में गरीबी एक महामारी की तरह फैलती, जिससे गरीबी का दुष्चक्र का नाम दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक पाँचवें का उत्तर देख लेते हैं। पाँचवें का उत्तर दिया हुआ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY बाहरी विंडो में खुलने वाली वेबसाइट ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको स्माइल 3.0 क्लास 11 अर्थशास्त्र का फुल सोल्यूशन बता दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।